तीन कंटेस्टेंट्स जिन्हें सबसे कम स्कोर्स मिले हैं, चिराग। तो भाई इंडियन आइडल 13 से एक बहुत ही शॉकिंग अपडेट निकल के सामने आ रही है, जिसको सुन के देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम आप सबको बता दें कि इंडियन आइडल 13 के जो ग्रैंड फिनाले अभी कुछ हफ्ते बचे हुए हैं, जब आने वाला है, उससे पहले जो हमारे बेस्ट कंटेस्टेंट, पॉपुलर कंटेस्टेंट माने जाते हैं, कौन है, चिराग और ऋषि सिंह, ये दोनों कंटेस्टेंट बाहर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं इस एलिमिनेशन के बारे में कि आखिर सच क्या है। हम आप सबको बता दें कि इंडियन आइडल 13 में आप सब देख रहे होंगे कि जो कंटेस्टेंट बॉटम में चले जा रहे हैं वो लास्ट में एलिमिनेट हो जा रहे हैं। तो अगर बात करें बॉटम का, तो चिराग चार बार बॉटम में आ चुके हैं और ऋषि सिंह भी बॉटम में एक बार आ चुके हैं। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में यह बताइए कि ग्रैंड फिनाले से पहले ऋषि और चिराग का अगर एलिमिनेशन हो जाता है तो क्या यह एलिमिनेशन सही होगा कि गलत होगा, आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो अगले वीडियो मिलेंगे, तो लव यू एंड थैंक यू।